सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों शामिल होती है। इधर देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों शामिल होती हैं। कैसे? सेकेंड लॉ क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अंदर बेसिकली बच्चे दोनों लॉ शामिल है, फर्स्ट भी और थर्ड भी। फर्स्ट लॉ क्या कहती है? अगर एक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर चल रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। तो मान लो बच्चे कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, तो जैसे हमारे पास ये सेकेंड लॉ है, अगर इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूफ करते हैं तो एक काम करते हैं, एक बॉडी पे फोर्स की फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स नहीं है, लेट अस टेक फोर्स है नहीं बॉडी पे, तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी क्या हो जाएगा? जीरो, वी माइनस यू। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू। तो ये कह रहा है अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसकी जो वेलोसिटी पहले होगी वही बाद में होगी, अगर पहले वो रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगी, पहले अगर चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती। अब इसमें रेस्ट मान लो पहले अगर जीरो, यू जीरो है तो वी भी क्या होगा? जीरो। मतलब पहले अगर रेस्ट पे थी तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगी, और मान लो अगर पहले वेलोसिटी वी थी तो बाद में भी क्या रहेगी? वी रहेगी। तो ये एक तरीके से प्रूफ है, सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों हम लोग प्रूफ कर सकते हैं सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका हम प्रूफ थोड़ा अलग टाइप से करते हैं। जैसे मान लो दो बॉल्स हैं, ये आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो जब ए और बी कोलाइड करती है तो इनमें आपस में एक फोर्स लगता है, इसे कहते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इसे कहेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है बच्चों, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो एक्चुअली सेकेंड लॉ हम दिखाने के लिए कह रहे हैं ये, बट सेकेंड लॉ तो ये होता है ना कि अगर कोई एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, या फिर ये इस फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो ये बॉडी जब कंसाइड कर रही है तो इनके बीच में जो कॉलिजन टाइम हो क्या है? डेल्टा टी है। अब क्या होगा? देखो बच्चे, इसमें कितना ए बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज होगा? अगर आप देखो ए बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज होगा, तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू टाइम। तो ए बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? एफ ए बी इंटू डेल्टा टी। ऐसे ही बी बॉडी के लिए क्या होगा मोमेंटम चेंज? एफ बी ए डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब देखो अच्छा, ये बी बॉडी के लिए हुआ, ये ए बॉडी के लिए हुआ, अब पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम चेंज क्या होगा? दोनों का एडिशन, ये कुछ ए में हुआ है कुछ बी में हुआ है। बट एक्चुअली क्या होता है, जब कॉलिजन आपस के बीच का हो तो उसमें बाहरी कोई फोर्स नहीं होगा, और बाहरी कोई फोर्स नहीं होगा तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज क्या होगा? जीरो होगा। सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये सेकेंड लॉ यही कहता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम सेम रहेगा, मोशन सेम रहेगा, सब चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो सिस्टम में आपस में फोर्स लगा है, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर डेल्टा पी की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ए बी डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? एफ बी ए डेल्टा टी। इसको इधर ले आए बच्चों, क्या आ जाएगा? एफ ए बी डेल्टा टी माइनस एफ बी ए डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी। फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन बी, यही तो होता है थर्ड लॉ। तो इस तरीके से बच्चों हम फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को प्रूफ कर सकते हैं।